ट्विटर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फिनिशर दिनेश कार्तिक काफी वक्त से ट्रेंड कर रहे हैं। पहले दिनेश की जिंदगी पर कई सारे झूठ लिखे गए, उन्हें दिल जला आशिक, सुसाइडल और ना जाने क्या क्या कहकर रीट्वीट्स लूटने की कोशिश की गई। कार्तिक की पर्सनल लाइफ से जुड़े सारे तथ्य आपको दी लल्लन टॉप पर पता लग जाएंगे। अब आपका ध्यान एक दूसरे पहलू की तरफ लिए चलते हैं। इस वीडियो में हम दिनेश कार्तिक की तुलना उनके समकालीन इंडियन विकेट कीपिंग बैट्समैन से करेंगे और बताएंगे कि क्यों दिनेश कार्तिक T20I वर्ल्ड कप 2022 में खेलना डिजर्व करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सीजन कार्तिक सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक हैं। पंजाब के खिलाफ 13 मई को हुए मैच से पहले 12 पारियों में 8 बार नॉट आउट रहकर कार्तिक ने 68.5 के औसत से 274 रन बनाए थे। उससे भी प्रशंसनीय ये है कि 36 वर्षीय कार्तिक ने पूरा कमाल 200 की स्ट्राइक रेट से किया है। कार्तिक वर्सेस पंत। दिनेश कार्तिक ने इंडिया के लिए 2006 में T20I डेब्यू किया था। इस लहजे से ऋषभ पंत उनसे 11 साल जूनियर है। कार्तिक ने इंडिया के लिए आखिरी T20 2019 में खेला था। 2017 से पंत ने लगातार इंडिया के लिए T20 मैचेस खेले हैं। डेब्यू के बाद से पंत ने इंडिया के लिए 43 मैच की 37 पारियों में 24.39 की औसत से 683 रन बनाए हैं। पंत इन 37 पारियों में 9 बार नॉट आउट रहे हैं। अब कार्तिक की बात कर लेते हैं। एमएस धोनी के होने की वजह से कार्तिक ज्यादातर टीम से बाहर ही रहे। 2006 से 2019 के बीच कार्तिक के बल्ले से इंडिया के लिए 26 पारियां आई हैं। इन पारियों में कार्तिक ने 33.25 की औसत से 399 रन बनाए हैं और 14 बार नॉट आउट रहे हैं। इन स्टैट्स पर अगर गहरी नजर डालें तो आप समझेंगे कि पंत लगभग हर चौथी पारी में नाबाद लौटते हैं। उनकी तुलना में कार्तिक लगभग हर दूसरी पारी में नॉट आउट रहे हैं। ये दर्शाता है कि दिनेश को पारियां फिनिश करना आता है और उन्होंने ये सिर्फ इस सीजन ही नहीं किया है। इससे भी दिलचस्प बात आपको बताएं तो इन 26 पारियों में कार्तिक का स्ट्राइक रेट 143.52 का रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंत ने अपने 683 रन 125.78 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। कार्तिक औसत से लेकर स्ट्राइक रेट तक पंत पर भारी हैं। यह भी बताना जरूरी है कि कार्तिक को इंडियन टीम के लिए कभी लगातार मौके नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर पंत डेब्यू के बाद से ही इंडियन टीम के परमानेंट नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन रहे। और यहां आपको ये भी बता दे कि पंत ने जहां लगातार मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है, वहीं कार्तिक ने मैन इन ब्लू के लिए लगभग हर पोजीशन पर बैटिंग की है और कई मैच फिनिश भी किए हैं। इतनी कंसिस्टेंसी के बावजूद कार्तिक कभी भी नेशनल टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। वहीं धोनी को कई मौके मिले जिसे उन्होंने भुनाया भी। इसलिए अब देखते हैं कि धोनी के आगे कार्तिक कहां टिकते हैं। एमएस धोनी वर्सेस दिनेश कार्तिक। हम सब जानते हैं एमएस धोनी ने इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं, कई सारे मैच भी जिताए हैं। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अपने करियर के आखिरी दिनों में थला कुछ ज्यादा ही धीमी पारियां खेल रहे थे, जिसने टीम इंडिया के लिए कई मैचों में समस्या भी पैदा की है। अब चलते हैं उनके स्टैट्स की ओर। 2006 से 2019 के बीच धोनी ने इंडिया के लिए 98 मैच में 85 पारियां खेली। इसमें धोनी ने 37.6 की औसत से 1617 रन बनाए। थला के अटैकिंग अंदाज की पूरी दुनिया फैन रही है, लेकिन आंकड़े देखे तो धोनी ने सिर्फ 126.13 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। ये पंत से थोड़ा सा बेहतर है और दिनेश कार्तिक से काफी कम है। धोनी की फिनिशिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। धोनी 85 में से 42 बार नॉट आउट रहे। इसका मतलब ये कि हर दूसरे मैच में CSK के कप्तान नाबाद लौटे हैं, जो कि दिनेश के बराबर है। करियर के पहले कुछ साल छोड़ दे तो धोनी ने ज्यादातर मैच लोअर मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग की है। लगातार नेशनल टीम का हिस्सा रहते हुए धोनी का औसत कार्तिक से थोड़ा सा बेहतर रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों में धोनी की कैप्टेंसी भी इंडिया के लिए एक अहम पहलू रही है और उनकी ही अगुवाई में मैन इन ब्लू ने 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता था। कार्तिक ने IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2021 में भी 15 पारियां खेलकर कार्तिक ने कोलकाता के लिए 223 अहम रन बनाए थे और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए थे। इस सीजन जब जब उनका बल्ला चला है तब तब RCB ने मैच जीता है। कार्तिक ने अपने दम पर फैफ डुप्लेसी की टीम को 5 मैच जिताए हैं। 2021 में स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करने के बाद ऐसी वापसी काबिले तारीफ है। पूर्व क्रिकेटर्स लगातार कह रहे हैं कि दिनेश की फॉर्म को देखते हुए उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहिए। लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन सुनील गावस्कर ने कहा कि कार्तिक को इंडियन सेलेक्टर्स सिर्फ बैट्समैन के रूप में भी चुन सकते हैं। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का भी कुछ ऐसा ही मानना है। भज्जी ने कहा कि अगर वो सेलेक्टर होते तो कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप के लिए जरूर चुनते। कार्तिक के सपोर्ट में 7 समंदर पार से भी आवाजें आ रही हैं।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि इंडिया को कार्तिक को T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने का रास्ता खोजना चाहिए। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।